आज का हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ज़मीन पर रहने वाले तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह अपना खाना हासिल करते हैं। आप सबको पता है कि हम सब के लिए खाना ज़रूरी है, क्योंकि खाना हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है। हम इस खाने जो भी खाना खाते हैं या हमारी बॉडी के अंदर जो खाना अवेलेबल है, फूड जो अवेलेबल है, उसको हम बर्न करते हैं, उसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं, उसे एनर्जी गेन करते हैं। तो फूड इज़ अ फ्यूल फॉर बॉडी दैट प्रोवाइड्स एनर्जी। कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हमें अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, यानी टू रिमेन हेल्दी, टू रिमेन अलाइव एंड टू गेट एनर्जी। वी ऑल नीड फूड। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी ज़मीन पे मौजूद हैं दो तरीक़ों से खाना हासिल करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़मीन पे मौजूद हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हों चाहे फिर वो बड़े ऑर्गेनिज्म हों, इनके अंदर खाना हासिल करने के दो तरीके हैं, दो मोड्स हैं, दो मेथड्स हैं। तो इन्हें मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। सबसे पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसे हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है हम हेटरोट्रॉफ कहते हैं। ऑटोट्रॉफ ग्रीक वर्ड ऑटोस और ट्रॉफी से निकला है। ऑटोस का मतलब है सेल्फ, ट्रॉफी का मतलब है न्यूट्रिशन। यानी ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाए। सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ, तो सेल्फ यानी खुद अपना खाना बनाए, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ। ऑटो का वर्ड आपने बार बार कई बार कहाँ बहुत सी जगहों पर सुना होगा, जैसे ऑटोमेटिक, है ना। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है? जो खुद ब खुद काम करे। ऑटो स्टार्ट, जो खुद ब खुद स्टार्ट हो। तो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाए। अभी ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो तरीकों से अपना खाना बनाते हैं। कितने तरीकों से? दो तरीकों से। या तो फिर वो फोटोसिंथेटिक होंगे या तो फिर वो केमोसिंथेटिक होंगे। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू असेंबल प्रिपेयर, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो लाइट की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में अपना खाना बनाते हैं, तो उसे हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना सनलाइट की मौजूदगी में बनाते हैं वो मोस्टली ग्रीन इन कलर होते हैं, ग्रीन कलर्ड होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर पिगमेंट है। अच्छा, क्लोरोफिल कितने ऑर्गेनिज्म में मौजूद होता है? सबसे पहले प्लांट में मौजूद होता है, उसके बाद कुछ बैक्टीरियाज हैं उस बैक्टीरियाज के अंदर मौजूद होता है, और उसके अलावा अल्जी जो है उसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। तो ये तीन ऑर्गेनिज्म जो हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल इनको सनलाइट कैप्चर करने में हेल्प करता है, और सनलाइट की मौजूदगी में ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर अपना ग्लूकोज या सांस बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की मौजूदगी में, इसे ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दूसरे जो है वो केमोसिंथेटिक हैं। केमोसिंथेटिक का मतलब कुछ ऐसे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जो ज़मीन में मौजूद केमिकल्स को यूज़ करते हैं और अपना खाना बनाते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम केमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म लेंगे। इसकी डिटेल हम आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसे हम कहते हैं हेटरोट्रॉफ। क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ भी ग्रीक वर्ड का, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। हेटरोस का मतलब है अदर, एंड ट्रॉफी का मतलब पहले ही मैंने आपको बता चुका हूँ न्यूट्रिशन। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद ना बनाए, अपना फूड खुद ना बनाए, वो अपना खाना जो है दूसरों से हासिल करें। यानी उनकी बॉडी के अंदर खाना नहीं बनता, सनलाइट की मौजूदगी उनकी उनके बॉडी के अंदर खाना नहीं बनता, वो खाना दूसरों से हासिल करते हैं। जैसे हम एनिमल्स हैं, हम क्या खाते हैं? हम पौधों को खाते हैं, हम पौधे की जड़ को खाते हैं, हम पौधे के लीव्स को खाते हैं, या फिर हम मीट फ्लैश खाते हैं, या तो हम दूध पीते हैं। तो हमारा न्यूट्रिशन जो है, हमारा खाना जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से आ रहा है, तो इसीलिए हम अपने आप को या हम हेटरोट्रॉफ की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाए, और हेटरोट्रॉफ का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद ना बनाए, दूसरों से हासिल करें। तो ये कंज्यूमर भी कहलाते हैं। कंज्यूमर का मतलब दूसरों को कंज्यूम करने वाले। और जो ग्रीन ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ये प्रोड्यूसर भी हैं। प्रोड्यूसर का मतलब इस ज़मीन पे मौजूद, ज़मीन पे रहने वाले तमाम ऑर्गेनिज्म को ये खाना प्रोवाइड करते हैं। ये अपना खाना खुद बनाते भी हैं
और अपने बॉडी के अंदर स्टोर्ड खाना जो है दूसरों को भी प्रोवाइड करते हैं। ऑटोट्राफ या ग्रीन प्लांट्स जो हैं जो अपना अपने लिए खाना बनाते हैं, उसके अलावा अपने अंदर बनने वाला खाना जो होता है वो स्टोर करके रखते हैं। अगर जड़ में रखते हैं तो हम उन पौधों की जड़ें खाते हैं, अगर लीव्स में रखते हैं तो उन पौधों की हम लीव्स खाते हैं। अगर ये अपना ग्लूकोज जो है स्टार्च में कन्वर्ट करके बीज में रखते हैं तो उन प्लांट्स के हम बीज खाते हैं। अगर ये फ्लावर में रखते हैं तो ऐसे जो प्लांट है उनके हम फ्लावर खाते हैं। तो ये दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, क्लियर? ठीक है, अच्छा। अब हेटरोट्राफ जो होते हैं जो दूसरों से खाना हासिल करते हैं वो या तो फिर पैरासाइट होंगे। पैरासाइट का मतलब क्या है? पैरासाइट का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों से खाना हासिल करें, जिस ऑर्गेनिज्म से अपना खाना हासिल करेंगे उसको नुकसान भी पहुंचाएंगे, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे प्लाज्मोडियम जो है एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। वो इंसान के बॉडी के अंदर आता है, उससे खाना भी हासिल करता है और हमें बीमार भी करता है। तो हम जो हैं वो होस्ट कहलाते हैं और ये आने वाला जो मेहमान है ये गेस्ट कहलाता है, ठीक है। तो पैरासाइट का मतलब है ऐसे गेस्ट या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे किसी की बॉडी में रहें, उससे अपना खाना हासिल करें और उसको नुकसान भी पहुंचाएं, उसको बीमार भी करें, तो उसे हम पैरासाइट कहते हैं। बीमार करें या उसको कमज़ोर कर दें उसकी बॉडी को, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्रीपिंग प्लांट्स भी हैं जो दूसरे प्लांट की बॉडी के ऊपर रहते हैं, उनसे खाना खाते हैं और उनकी पूरी बॉडी को डैमेज कर देते हैं, उनकी पूरी बॉडी को ख़त्म कर देते हैं या उनका सारा खाना खा जाते हैं। नतीजे में जो है वो होश जो होगा वो कमज़ोर हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। दूसरे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिम्बायोटिक कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जो होस्ट के साथ रहें, गेस्ट जो है होस्ट के साथ रहे और ये म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहें, यानी एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं, एक दूसरे को बेनिफिट दें, एक दूसरे को फ़ायदा दें। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे के साथ रह रहा है, उससे खाना खा रहा है, हाइड्रोट्राफ है, उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा बल्कि उसको फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तीसरी कैटेगरी जो आपकी बुक में लिखी हुई है वो लिखी हुई है सेप्रोफाइट, ठीक है। सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जो डेड बॉडीज़ के ऊपर रहें। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे डेड बॉडीज़ जो है उसके बॉडी के अंदर कीड़े वर्म्स वगैरह पैदा हो जाते हैं या इंसेक्ट वगैरह पैदा होते हैं या कुछ ऐसे माइन्यूट ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं उसकी बॉडी के ऊपर, जो उसके अंदर मौजूद फ्लैश या खाना जो है वो खाते हैं डेड बॉडी से, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बहुत सारे ऐसे सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है जो घने जंगलात के अंदर जो दरख्त ख़त्म हो जाते हैं, गिर जाते हैं, टूट के गिर जाते हैं, उसके ऊपर रहते हैं और उनसे अपना खाना, उनकी बॉडी से खाना हासिल कर लेते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो हेटरोट्राफ जो होते हैं वो पैरासाइट भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं और सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, ठीक है बच्चों? टॉपिक क्लियर है?